नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और फिलहाल मैं आपसे जो लाइव जुड़ी हूं वो फतेहाबाद से आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रही हूं, जहां पर अभी तक मैंने आपको 4 दिन पहले की अपडेट दी थी कि फतेहाबाद में जो हाल है बद से बदतर देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं, फिलहाल फतेहाबाद में जो हालात है काफी सामान्य देखने को मिल रहे हैं और मैं बता दूं कि शहरवासियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है तो तस्वीरों में दिखा देती हूँ कि रतिया रोड जो आज से 4 दिन पहले 10-10 फुट जलमग्न था वो आज 6 फुट के करीब पहुंच चुका है और मैं आपको बता दूं कि पानी का स्तर यहां पर 4 फुट कम हुआ है। वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये है रतिया रोड और दूसरी तरफ आपको दिखाने का प्रयास करूंगी ये है सिरसा की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे 9 जिस आप देख सकते हैं कि फिलहाल हिसार रोड जो कि नेशनल हाईवे 9 के मैं आपको दिखा पा रही हूँ, रोड अंडर ब्रिज के नीचे से आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रही हूँ और वहीं आप जो है देख पा रहे हैं ये है सिरसा रोड। जी हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि फिलहाल हिसार से आप ये जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां से भी आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप लोग ये लाइव तस्वीरें कहां से देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद में जो है हल्की बूंदाबांदी रही, लेकिन जो है हालात फिलहाल सामान्य हो गए हैं और पानी का स्तर फिलहाल पहले से बहुत कम हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन ने मौके पर, देख लीजिए मैंने आपको पहले जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें प्रशासन ने बहुत कम मिट्टी डाली हुई थी, लेकिन अगर अब मैं बात करूं तो ये देख लीजिए मिट्टी को जो है ज्यादा बढ़ा दिया गया ताकि जो है पानी का स्तर बिल्कुल भी यहाँ ना पहुंच पड़े, क्योंकि ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी कि अब आपको रतिया रोड साफ साफ दिखाई देगा। लाइव तस्वीर में आप इनको दिखा दीजिए कि ये देख लीजिए जो रोड आपको पानी मैं कह सकती हूँ जलमग्न दिखाई दे रहा था वो फिलहाल आपको पहले से साफ दिखाई दे रहा होगा। जहां जहां तक आपकी नजरें जा रही है देख लीजिए पानी का स्तर पहले से बहुत कम हो चुका है। वहीं मैं आपको जो दूसरी तस्वीरें हैं वहां पर दिखा दीजिए, लेकिन मैं बता दूं कि पानी अभी भी खड़ा लगातार नजर आ रहा है। देख लीजिए लोगों के घर डूबे हुए हैं, खेत खलिहान फिलहाल खराब हो चुके हैं और लोगों की जमीनें जो है जो उन्होंने बोई हुई थी उसको काफी नुकसान हुआ। मैं बात करूं पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 4000 करोड़ से भी ऊपर का नुकसान हुआ है और मैं बता दूं कि लगभग कितने गांव जो है इससे प्रभावित हुए हैं और अभी फिलहाल फतेहाबाद में हालात सामान्य है। इसी के चलते जो है फतेहाबाद वासियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन एक तस्वीरें एक मंजर वहां पर देख लीजिए, यहां पर पानी का स्तर भले ही कम हुआ हो लेकिन पानी जो है अभी तक इसी तरीके से बना हुआ है, यानी कि अब भी लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर, जी हाँ, मुसीबत अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि पानी का स्तर कम हुआ है लेकिन हटा नहीं है, यानी कि उसका जो रोक है रुका नहीं है, जो उसका कहर है फिलहाल अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। ये देख लीजिए, जहां एक बार जूम कर दिखा दीजिए कि किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं। ये देख लीजिए, आपकी जहां जहां पर नजरें जाएंगी आपको एक समुद्र दिखाई देगा और मैं बता दूं कि ये जो समुद्र है कहां से कहां तक बन रहा है। ये देख लीजिए, एक तरफ सिरसा रोड है तो दूसरी तरफ हिसार रोड है और यहां पर अगर आप सामने देखेंगे तो ये रतिया रोड, यहां से मैं कह सकती हूं कि सिरसा रतिया का जो रोड है फिलहाल समुद्र बना हुआ है और ऐसे में लोग ना तो रह सकते हैं और ना ही अपने घरों में जाकर वापिस से उम्मीद लगा सकते हैं कि वो वहां पर रह पाएंगे। ऐसे में हालात समाने जरूर कह सकती हूँ, लेकिन एक बहुत ही दुखद बात है कि अभी तक ये पानी का कहर रुका नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं सिरसा की, तो सिरसा में भी गगर नदी की वजह से जो है काफी उफान मचा, काफी कहर देखने को मिला, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि फिलहाल वहां पर भी 4-4 फुट का जो पानी है कम हुआ है। लेकिन अगर इस मंजर को देखते हैं आप, जो मैं सीधी तस्वीरों में आपको दिखा पा रही हूं, तो शायद आपकी भी जो है रूह कांप जाएगी क्योंकि पानी का स्तर अभी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोग अपना जीवन पहले की तरह नहीं चला पा रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि ये देख लीजिए, यहाँ पर अब भी जो है सेना के जवान जो है जो बोट होती है उसको लेकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा बड़ा हुआ है कि यहाँ पर बोटिंग की जा रही है, यानी कि समुद्र बना हुआ देखने को मिल रहा है। आपको और तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि शहर में फिलहाल बिल्कुल हालात समान है और कल की बात करूं तो कल फतेहाबाद में बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अगर सिरसा की बात करूं तो सिरसा में कल बहुत तेज बारिश देखने को मिली थी और मैं बता दूं कि प्रशासन ने जो है लगातार काम भी किए हैं।
वही मैं आपको कुछ तस्वीरें आगे की भी दिखाऊंगी और एक बड़ी अपडेट भी दूंगी, तो आप मेरे साथ जो है लाइव जुड़े रहें, क्योंकि अभी आपको मैं थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूं जो कि फतेहाबाद से निकल कर आ रही है। अभी तो जो है मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रही हूं कि यहां पर किस तरीके से पानी का स्तर कम हुआ है, तो दूसरी तरफ पानी का स्तर जो है पहले कितना था। ये लाइव तस्वीरें आप फतेहाबाद से देख पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी न्यूज आपके लिए हेल्पफुल है तो वो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। वहीं एक बार मैं वो मंजर जरूर दिखाना चाहूंगी आप सभी को जिसने हर किसी की रूह को कंपा दिया है। जी हाँ, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिरसा रोड पर, जहां पर जो है आपको पानी का स्तर देखने को मिलेगा। अगर रतिया रोड की बात करूं तो फिलहाल यहाँ पर हालात बिल्कुल सामान्य देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हुआ है। और यहाँ पर भी आप जो तस्वीरें दिखा पा रही हूँ, क्योंकि फतेहाबाद तक पानी आ रहा था जिसको रोक लिया गया प्रशासन ने, और मैं बता दूं कि यहाँ पर पानी का स्तर पहले से कम हुआ है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं कि क्या मंजर देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जो ये हालात हुए हैं ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसके चलते जो है लोगों को काफी नुकसान हुआ है। बात करूं हरियाणा सरकार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। वहीं मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है आम जनता, जिनके घर डूब गए, जिनके घर जलमग्न हो गए, उनके खेत खलिहान खराब हो गए, उनकी करोड़ों की फसलें जो है खराब हो गई। और अगर वो किसान इस मंजर को देखता है तो सिर पकड़कर बैठ जाता है कि मैंने क्या बोया था और क्या पाया। क्योंकि जब फसल बोता है एक किसान तो उसके मन में बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि मेरी जो फसल है कब लहराएगी, और अगर ऐसे में प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके चलते उनकी फसल भी खराब होगी। और मैं बता दूं कि इस फतेहाबाद से लगते लगते 50 गांव हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अभी तक प्रभावित हैं। वहीं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन यमुना का स्तर जो है पहले से बढ़ता हुआ दिखा है। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं मैंने आपको फतेहाबाद से दिखाई, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मैं बता दूं कि खुशी की लहर फिलहाल फतेहाबाद वासियों में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन लोगों को चिंता बनी हुई थी कि यहाँ पर पानी का स्तर अगर बढ़ता है, अगर तेज बारिश आती है तो क्या ये पानी शहर में जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, जो लोग मेरे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर मैंने आपको दी कि पानी का स्तर जहां यहां पर था अब वो पानी का स्तर यहां पहुंच चुका है, जिससे काफी हालात सामान्य हुए हैं। और मैं बता दूं कि फिलहाल बारिश का अलर्ट अभी भी जारी कर दिया गया है कि कभी भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। जी हाँ, अभी भी 9 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी गया। खैर, फिर जुड़ती हूँ आपके साथ एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।